के पास कि उस शिकस्त का प्रतिशोध लें और न सिर्फ अपनी संभावनाओं को प्रबल करें बल्कि पटना पायरेट्स की संभावनाओं पर आघात करें। सचिन तंवर पहली रेट पर, रण सिंह के आमने सामने फुटवर्क करते हुए, और ये क्या शानदार लंबा हाथ खींचा, रनिंग हैंड टच, नवी बाहर, क्या बात है। सचिन से इसी बात की आप उम्मीद करते हैं और इस एक रेड पॉइंट ने इस सीजन में सचिन तंवर के 100 रेड पॉइंट पूरे कर दिए हैं। सेंचुरी जड़ दी है सचिन ने। मनिंदर सिंह आउट, इससे पहली वाली रेड में क्या नबी बख्श टीम को ऑल आउट से बचा सकते हैं। नबी बख्श एक बेहतर ऑलराउंडर है लेकिन इस सीजन में कोई खास इंपैक्ट अब तक छोड़ नहीं पाए हैं। यहां पर बोनस भी लिया, एक रिवाइवल भी लिया, नीरज को बाहर कर दिया और रोग बड्डी के अपने व्यक्तिगत 200 रेड पॉइंट पूरे कर लिए नबी बख्श ने। तो पहले हाफ की जो कहानी है वो 21-11 से पटना पायरेट्स के फेवर में है। मनिंदर अंदर आ गए लेकिन डुओ डाई में भेजा है रविंदर रमेश कुमावत को। इतना बढ़िया टो टच करने के बाद भी स्केप नहीं कर पाई, ये डुओ डाई रविंदर कुमावत बहुत ही शानदार शादुलू ने कमाल किया। एंकल होल्ड, हाई होल्ड, ये उनकी खास अदा है और इसी पर सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेके आते हैं शादुलू। एक मिनट से कम का वक्त बाकी, 11 पॉइंट की लीड पटना पायरेट्स। पॉइंट्स टेबल की टॉप पर पहुंचने के लिए अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। दो पॉइंट मिले हैं, एक रेड और मिलेगी जरूर बंगाल को। कोच इसलिए ना खुश हैं कि भाई जब बड़ी लीड बन रही है तो क्यों पॉइंट गवा रहे हो, आपको पॉइंट नहीं चाहिए। पटना वाले सिर्फ खुद को बचाएं, आप मैच जीत रहे हैं, टॉप पे जा रहे हैं, स्कोर डिफरेंस खराब मत कीजिए। कैश आउट, वन पॉइंट पटना पायरेट्स। मनोज गौड़ा लगातार बेहतर खेल रहे थे, ये दूसरी बार टैकल हुए, तारीफ करनी होगी आज। पहली बार उन्हें स्टार्टिंग सेवन में जगह मिली और उस जगह को उन्होंने सार्थक साबित किया। मोनू का बहुत ही बढ़िया डैश। आप वन पॉइंट ईच। चैंपियंस पटना पायरेट्स के लिए आज सेलिब्रेशन का दिन है। इसमें जिस तरह की जीत उन्होंने दर्ज की है वो लाजवाब है।